दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर के हलका अटारी में कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणिके की अगुवाई में संगत दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की कई समस्याओं को सुनकर मौके पर उसका हल किया व अन्य कई समस्याओं को जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के लिए आदेश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी और जो लोग सरहद के पार खेती करने जाते हैं उन्हें पर एकड़ 3,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जब पत्रकारों द्वारा बीते दिनों उनके निवास स्थान के बाहर एक छात्र द्वारा किए गए आत्मदाह संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब सीधी नौकरी तो किसी को भी नहीं दी जा सकती, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरीका है, नौकरी पाने के लिए पहले अप्लाई करना होता है, फिर उसके बाद टेस्ट देकर अपनी काबिलियत साबित करने पर नौकरी दी जाती है। इस मौके पर गुरिंदरपाल सिंह लाली रणिके, एसएसपी जसप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर रजत भगत, लाली गिल, डीएसपी अटारी ढिल्लो, अमनदीप सिंह सोनू सोडी, जसपीर सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रॉब्लम का पता लगता बहुत है, खास करके जो बॉर्डर के लोग रहने वाले असली मायने च देशभक्त लोग है, क्योंकि जे बार्डर ना बनता तो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान कट्ठा रहिंदा किते, तो यह सब तो खुशहाल लोग होने सन। हुण देश की आजादी करके सफर कर रहे हैं, इस करके सेंटर सरकार ते सूबे दीआं सरकारां नूं इहदी वध मदद करनी चाहिए, इन्हां नूं कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। असी फैसले किए हैं कुछ, तो एक तो यह फैसला है कि जिहड़े तार तो अगे लोग खेती करते हैं उन्होंने 3,000 रुपया एकड़ ग्रांट दें हर साल, ताकि उन्होंने वो कंपनसेशन हो सके, क्योंकि तारा तो अगर जी खेती है बड़ी मुश्किल। एक ये भी करता कि बार्डर पट्टी च कोई भी घर है कितनी दूर है उन्हों 24 घंटे बिजली मिलती है, और अज इस करके इतने आए हैं कि जो उन्होंने तकलीफा एक एक सुन के उन्होंने वो तो वह मदद की।